एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्नावली 1.1 का। तो चलिए सरस्वती माँ को प्रणाम करके आज हम लोग श्री गणेश करते हैं क्लास टेंथ के मैथ का सिलेबस। इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का देखेंगे। एक नंबर का प्रश्न, देखिए हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका तीन क्वेश्चन है, एक में 135 और 225, 196 और 38220 और 867 और 255। तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक नंबर का हमारा प्रश्न है 135 और 225, ठीक है ना। तो देखिए आपको पहले इसमें क्या करना है ना, ग्रेटर चुनना है, यानी बड़ा कौन सा है 135 और 225 में। तो बड़ा क्या है 225, तो 225 ग्रेटर देन 135, तो इसको रखेंगे ए, ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है हमने अभी गलती से प्रेमिका बोल दिया था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसका फार्मूला होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होगा ना जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। ठीक है, जहाँ आर का मान होता है जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, ठीक है बी से छोटा। तो चलिए ये हो गया आपका, अब आपको क्या करना है ना, ए के जगह ए को रख देते हैं 225 बराबर बी के जगह 135 रख देंगे, लेकिन अब हमें क्यू और आर निकालना है, क्यू और आर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करिए 135 से 225 में, तो देखिए एक बार में लग जाएगा कितना 135, पाँच में से पाँच गया जीरो और नौ, तो देखिए ये आपका हो गया Q और ये आपका क्या हो गया R, तो 135 इंटू एक प्लस आर कितना 90। ये देखिए ये जो आपको ये जो प्रोसेस है ना, इसको आपको तब तक करना है जब तक कि R क्या हो जाए जीरो नहीं आ जाए, R क्या हो जाए जीरो नहीं आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ R नॉट इक्वल टू जीरो, R अभी तक जीरो नहीं आया, R अभी तक जीरो नहीं आया। फिर देखिए आगे आपको क्या करना है ना जी, ये आपका जो b है ना इस बार a बन जाएगा, b क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a बराबर 135 और b बराबर ये जो r है ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो अब की जो है ना 90 से 135 में लगाना है, 90 से 135 में, तो एक बार में 90 5 4, ठीक है तो अब की क्या हुआ 135 बराबर यानी a बराबर b, b कितना है 90, Q कितना है 1 और R कितना है 45, R कितना है जी 45। अभी भी लिख देंगे क्या, जहाँ R नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ R नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए अब की आपको A रखना है इसको 90 को, A बराबर 90 और B बराबर 45, A बराबर 90 और B बराबर 45। तो चलिए एक बार फिर से डिवाइड करेंगे 45 डिवाइड 90, तो टू बार में हो जाएगा 90 कट जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 90 बराबर 45 इंटू टू प्लस जीरो। इस बार देखिए आ गया क्या r बराबर जीरो, r क्या आ गया जीरो, r आ गया ना जीरो, तो आपका जो b है यानी ये जो 45 है ये आपका हो जाएगा HCF बराबर 45। ठीक है, तो देखिए एक एक का स्टेप को बड़े ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। और चलिए अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं, अभी दो क्वेश्चन और आपको समझाना है। ठीक है, आप उन दोनों को भी देखिए, आसानी से आप समझ जाओगे। चलिए तो दो नंबर का प्रश्न आपका क्या है, 196 और 38220। तो दो नंबर में आपका है 196 और 38220। तो देखिए आपका ग्रेटर देन कौन है, ये है 38220 बड़ा है 196 से। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 38220
और बी बराबर क्या हो जाएगा 196। तो ए बराबर हमें क्या निकालना होता है, बी क्यू प्लस आर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए, जहाँ लिख सकते हो कि आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर और फिर बी से छोटा। अब चलिए डिवाइड करेंगे हम लोग बी से ए को, बी से क्या करेंगे ए को डिवाइड कर देंगे, यानी 196 डिवाइड 38220। तो देखिए क्या ये दो बार में लगेगा, नहीं लगेगा, तो एक बार में लग जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, 8, 2 में से 1 गया 8, फिर 2 उतरेगा ना। अब देखिए कितना बार में लगेगा, 19 से लगाना हमको, तो 19 नवा 71 से 9 बार में, 9 छक्का 54 का 4 बाकी 5, 19 नवा 171 और 5 176, बचा कितना 8, फिर 15 में से 6 गया 9, फिर ये कट गया ठीक है। तो ये आपका हो गया Q हो गया जी, और ये आपका R हो गया, ये आपका क्या हो गया R। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यानी 38220 बराबर 196 गुना 19 प्लस 98। अभी क्या R जीरो नहीं आया, R क्या जीरो नहीं आया, R जीरो नहीं आया, तो इस बार जो B है ना वो A हो जाएगा, A बराबर 196 और B बराबर आपका हो जाएगा 98। A बराबर 196 और B बराबर 98, तो फिर से डिवाइड करिए 98 डिवाइड 196, तो 2 बार में हो जाएगा 196, कट गया। तो देखिए A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो A बराबर यानी 196 बराबर 98 इंटू 2 प्लस 0। अब कि क्या हुआ, R क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो आपका B होता है ना, ये आपका HCF हो जाएगा, यानी ये जो आपका B होता है यही क्या हो जाएगा HCF, यानी HCF आपका हो जाएगा 98, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आपका तीसरा प्रश्न है जी, तीसरा प्रश्न आपका 867 और 225। तो चलिए आपको पहले क्या दोनों में से बड़ा को चुनना है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, बड़ा को चुनना है, तो 867 जो है 225 से बड़ा है, तो ए बराबर 867 और बी बराबर 225। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आपको क्या करना है ना बी से ए में डिवाइड करना 867, तो ये 3 बार में लग जाएगा, 5 3 15 और 22 3 66 167। ये रुकिए, हमने लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये 255 है, ये क्या है 255, तो ये आपका हो जाएगा 255। अभी तक ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हमने शुरुआत ही किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 255। तो 3 बार में देखिए 5 3 15 और 25 3 75 176, ठीक है ना। तो 7 में से 5 गया 2 0 1 2 0 1, सही है ना। एक मिनट रुकिए, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, 5 3 15 16 7, ठीक है। तो देखिए जी ये आपका हो गया Q और ये आपका हो गया R, यानी A बराबर, तो ये कितना 867 बराबर B, यानी 255 इंटू 3 प्लस R कितना 102, R कितना 102। तो यहाँ लिख देंगे ना, जहाँ R नॉट इक्वल टू 0, जहाँ R अभी तक 0 नहीं आया। अब देखिए A हमारा क्या हो जाएगा, A आपका ये हो जाएगा 255, ये क्या हो जाएगा A, यानी A बराबर 255 और B बराबर 102, ये आपका R भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से डिवाइड करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे 255 में, तो देखिए दो बार में लग जाएगा 204, दो बार में क्या लग जाएगा 204, तो बचा 51, क्या बचा जी 51। तो ये आपका हो गया Q हो गया और ये आपका R, यानी 255 बराबर 102 प्लस 2 इंटू 51, जहाँ क्या लिख देंगे जी अभी फिर से, जहाँ R नॉट इक्वल टू 0, जहाँ R क्या है 0 अभी तक नहीं आया। तो देखिए इस बार A आपका हो जाएगा B, ये A बराबर 102, B बराबर 51, B बराबर क्या हो गया 51। तो देखिए A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आपको क्या करना है फिर से B से A में डिवाइड करना, यानी 51 डिवाइड 102, तो 2 बार में हो गया 102, कट गया ना। अब देखिए 0 आ गया, तो अब हमारा उत्तर आ जाएगा, तो देखिए 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 आ गया ना। तो जहाँ R क्या हो गया, R इस बार क्या हो गया 0,
जब तक आर आपका जीरो ना हो जाए ना, ये प्रोसेस आपका नीचे कंटिन्यू होते रहता है। बी आपका ए हो जाएगा, आर आपका बी हो जाएगा, और फिर डिवाइड आप दे सकते हो आगे। एच सी एफ में भी देखिए यही करते हैं, यानी आपका आर जो नीचे बचता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो नीचे उतरते चला जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 102 था ना, तो 102 में आगे 255 उतारेंगे ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो बी है लास्ट में, ये आपका हो जाएगा उत्तर। एच सी एफ इज इक्वल टू 51 आंसर, ठीक है। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने आपको जो है ना एकदम एक एक पॉइंट को, एक एक प्रोसेस को आपके सामने बताया। इसी प्रकार से जो है ना आपको हम पूरे बुक का, पूरे सिलेबस का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।